आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल दूं, कल 1 मई है, कल शाम को 6 बजे से आपका मैथ का क्लास जो है वो लाइव चलेगा। मैथ का क्लास करवाने का मतलब ये नहीं है कि बस मैथ का क्लास मैंने स्टार्ट करवा दिया। इस क्लास का मेन टारगेट ये है ना, जो शाम को 6 बजे से कल चलेगा, इसका टारगेट ये है जिनको मैथ समझ में नहीं आता है उनके लिए वीडियो है। प्रॉपर नोट्स बनाना, एग्जांपल समझा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लो अगर आपको कोई चैप्टर का ए से जेड तक पढ़ना है, ठीक है ना, ए से जेड आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का आपको ए भी नहीं आता है, मैं आपको ए भी बताऊंगा और उस जेड तक आप कब पहुंच जाएंगे और कब आपसे एग्जाम के पेपर सॉल्व होने लगेंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जो पहले बोल रहे थे भैया मेरा मैथ बहुत कमजोर है, अचानक क्या हुआ 5 से 6 क्लास उस चैप्टर का अटेंड करने के बाद आपसे धड़ाधड़ वो सवाल बनने लगे एग्जाम का, इसका मतलब ये होता है आपका मैथ कमजोर नहीं है, आप मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत से भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है आप उस चीज को नाम क्या दे दे रहे, मैथ समझ में नहीं आ रहा। आप कल से क्लास देखना, नोट्स रखना, स्टार्टिंग में हो सकता क्लास में आप बोलो भैया ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, आता है ना, तो वो चैप्टर को कंप्लीट करो, उसके बाद अपने बुक्स खोलो, सवाल करो, बोलेंगे सवाल बन रहा है भैया। ऐसे हर एक क्लास जो है वो आपको कंप्लीट करवाए, खास उनके लिए मैं क्लास स्टार्ट उनके लिए करवा रहा हूं ना जिनको मैथ से डर लगता है, समझ में नहीं आता, एडवांस मैथ भी कराऊंगा, ठीक है। अब बात सुनो, एक एग्जांपल और समझो आप सभी, आपको समझना पहले बहुत जरूरी है। पहले तो आप ये सुनो ना, जिंदगी का यानी जीवन का हाथ नहीं होता है, लेकिन जब इसका थप्पड़ हर एक इंसान के ऊपर पड़ता है ना तो पूरी उम्र उसकी गूंज आपको सुनाई देगी। नहीं समझ में आया ना, समझो एक एग्जांपल से, मान लो ना आपको जीवन का थप्पड़ नहीं खाना है। ये थप्पड़ कब पड़ता है भैया, 22 से 30 साल के अंदर ही पड़ता है। अब आपको डिसाइड करना है वो थप्पड़ हमें लगे कि ना लगे जीवन का। अच्छा भैया अगर लग गया तो क्या हो गया, अगर यहां पर थप्पड़ लग गया ना तो इसके बाद आपके जितने भी जीवन है, इस जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके आगे, आपका बच्चा, आपका परिवार सारा, मम्मी पापा, उनका बुढ़ापा, आपका पूरा जीवन वो अच्छे से नहीं गुजरेगा, बहुत कष्ट होगा, एक एक चीज बहुत याद आएगा पास्ट का, अगर थप्पड़ लग गया तो। अगर थप्पड़ नहीं लगा, कैसे नहीं लगेगा भैया, आपको इस समय ना अपने वैल्यू को समझना है, मेहनत करना है, आपको इसी समय थप्पड़ लगता है और इस समय जहां मेहनत नहीं की फिर तो पूरा हर जाना, आपको यहां पर अपने साथ साथ अपने परिवार को भी उठाना पड़ेगा। ये बात मेरा गांठ बांध लीजिएगा आप सभी। और बहुत जन को लगता है भैया मेहनत करते हैं भैया, कष्ट होता है, मुश्किल आता है भैया। यार आप कोई भी काम करेंगे ना, आप कोई भी काम, पढ़ाई नहीं, कोई भी काम करना अगर आप स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको लगेगा मुश्किल, डर लगेगा, कष्ट आएगा, लेकिन आपको पता है ना उस मुश्किल के बाद ही जाकर हमें क्या मिलता है भैया, सक्सेस। जब आपको इतना बच्चों की तरह समझ में आ रहा है कि भैया कोई भी काम स्टार्ट करेंगे थोड़ा मुश्किल आएगा, प्रॉब्लम आएगा, जब ये आपको पता है, जब उस प्रॉब्लम से ना डर कर अपना 100% फोकस लगाकर मेहनत कर दिए, तब भैया उसके बाद ही सक्सेस आएगा। अगर आपको लगता है कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सक्सेस मिल जाएगा, तब तो ये तो इस बात से तो कोई भी एग्री नहीं करेंगे कि हराम का सक्सेस मिलता है, मुश्किल के बाद सक्सेस आता है, आपको पता है ना, तो मुश्किल से डरना नहीं है। तीसरी बात आप याद रखना, एक बात ना बहुत जन को ये भ्रम है ना कि मस्ती कर रहे हैं, कट रहा है जिंदगी, मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप देखो जिंदगी का तो कोई ठीक नहीं है ना, क्योंकि कुछ भी किसी को कब भी हो सकता है, क्योंकि इसकी डोर हम लोग के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में, कब किसका डोर कट जाए किस कोई नहीं जानता है। और ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हम लोग ऊपर से, अगल से, बगल से, छत से या कहीं से हम बैठ कर देख रहे हैं मेरे मरने के बाद क्या हो रहा है, एक बार जीवन चला गया तो चला गया, ये भी सच्चाई है। तो आप एग्जांपल सेट एक टारगेट, देखो जीवन स्पेंड करना, एक टारगेट लेकर चलना है, एक टारगेट, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, लेकिन आपको सोचो चलना पड़ेगा कि मान लो आप 60 साल ही जिंदा है, अब 60 साल में आपको क्या क्या करना है। और एक बात, 60 साल तक आप काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करता है, आपको अपने जीवन में ना 15 से 20 साल ही आप जानना काम करते हैं, तो आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे 60 साल की उम्र तक मुझे क्या 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 चीज करना है, कितना पैसा बचाना है, क्या क्या करना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि अगर आज तैयारी कर रहे हैं, अगर आज तैयारी कर रहे हैं तो 5 साल 6 साल आप स्पेंड कर दिए और आपको लाइफ सक्सेस मिला ही नहीं, आपको कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी जीवन मिला उसमें से 5-6 साल आप बर्बाद कर दिए,
ये बर्बाद इसलिए कर दिए क्योंकि आपने ढंग से मेहनत नहीं किया, आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया। एक्चुअल में क्या है, हर एक जीवन का ना फेस होता है, फेस बचपन था, स्कूल लाइफ आया, कॉलेज लाइफ आया, फिर क्या आता है आप सभी का एक ऐसा लाइफ आता है 22 से 30 साल मान लो, जहां पर आपका कितना टैलेंट है वो प्रूफ करने का लाइफ है। इस समय में अपने काबिलियत को प्रूफ करना है जिससे मेरे आने वाला कल बेहतर हो। अब ये जो समय चल रहा है इसको आप बर्बाद कर दिए तो आने वाला समय क्या होगा आपका, आपके साथ साथ आपका परिवार भी मरेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा जो मैं चीज बता रहा हूं। अब बहुत जन क्या करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाबू सोना ये वो, याद रखना एक तो कभी कभी चीज सोचते हैं माइंड में तो बहुत गुस्सा आता है। अगर आप मेरा फोन खोल लोगे ना या मैं लैपटॉप, मेरे फोन या लैपटॉप में सैड सॉन्ग तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कल नहीं मिलेगा, सुनते ही नहीं है सैड सॉन्ग। जबकि गाना मैं बहुत सुनता हूं, बहुत ज्यादा, जब मैं काम भी करता हूं ना गाना पूरे फुल साउंड में बजता है, सभी काम करते हैं सभी इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन सैड सॉन्ग नहीं बजता है मेरे घर में कहीं पर भी, क्योंकि सैड सॉन्ग एक ही काम करता है, आपको यह एहसास दिलाता है ना। एक अरिजीत सिंह है, नाम नहीं लूंगा, अरिजीत सिंह है सिंगर, बहुत आजकल के बच्चों का बहुत फेवरेट सिंगर है भैया, गाना बहुत अच्छा गाता है भैया, उनके गाना बहुत सुकून मिलता है, सुकून नहीं मिलता है, आपको वो एहसास दिलाता है ना कि आप कितने निकम्बे हैं, आप कुछ भी काम करेंगे ना आपको रोकेगा, नहीं नहीं काम मत कर तुम मेरा गाना सुन। उनके गाने में क्या होता है, दर्द लव फीलिंग आपको बताता है कि आप प्यार करो रो धो और बाबू सोना करते करते मर जाइए, अगर आप कुछ करने जाएंगे ना आपको रोक लेगा। सैड सॉन्ग का काम ही ये है कि आप कहीं डूब जाओ, आप कुछ करो मत, आपको एहसास दिलाता है कि आप दुनिया का सबसे निकम्मा इंसान है, तो सैड सॉन्ग मत सुनो यार, क्योंकि सबके लाइफ में दुख दर्द आता है, सबके लाइफ में आता है, ऐसा नहीं आप स्पेशल हो, आपके साथ ही सब कुछ हो रहा है, सबको लगता है मेरा दर्द बहुत बड़ा है, सबको लगता है, सबको लगता है मतलब क्या है, सबको लग रहा है मतलब आपको भी लग रहा है, यानी उस चीज को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है ताकि जो जीवन मिला है उसको हम लोग अच्छे से जी पाए, ये आपको समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आज लाइफ है तो कल नहीं है, कल नहीं रहेगा लाइफ। एग्जाम्पल सुनो, मान लो अगर आज तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का आप 1 साल 2 साल 3 साल निकाल दे रहे हैं, समय निकाल दे रहे हैं, 24 घंटा मिलता है, अभी आज की डेट में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए बस अब छोटा छोटा टारगेट सेट करो। कहने का मतलब है ना भाई, आप डेली कम से कम ना 30 से 40 जीके पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट जीके होते हैं जो बार बार आता है, ज्यादा मत पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पर डे अगर आप इतना डेली पढ़ते हैं तो इसको मैं अगर 30 से गुना कर दूं ना तो 40 से गुना करूं 1200 के लगभग हो जाएगा, यानी आप एक महीने 1200 जीके कंप्लीट कर रहे हैं। और यहां पर टाइम आप देख कितना रहे, देखो आप खुद देखो, आप खुद देखो, अभी समय क्या है, पढ़ने का है, और पढ़ने मतलब यही नहीं कि जीवन को एंजॉय करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको टाइम तो दोगे ना। ये 40 क्वेश्चन पढ़ने में ऑब्जेक्टिव पढ़ो बस, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ठीक है। टाइम कितना जा रहा है, आप बोलेंगे भैया ज्यादा से ज्यादा ना 1 घंटा लगेगा ये क्वेश्चन पढ़ने में, एक अगर आप डेली 1 घंटा समय देते हैं जीके के लिए 24 घंटे में, तो आप महीने में 1200 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक साल में। भैया क्या बात कर रहे हैं, 12 से अगर गुना कर दिया जाए ना भैया 14400 हो जाता है, समझते हैं कुछ, 6 महीना तैयारी करना है प्रॉपर वे में, कुछ नहीं है। अगर जीके हो गया भाई करेंट अफेयर, सुबह में 10 मिनट का वीडियो देते हैं 10 मिनट का, और ये गारंटी के साथ कि उसके बाहर ना रेलवे एसएससी बैंक में क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, पेपर दिखा दिए करेंट अफेयर का, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं बना भाई, 10 मिनट वहां पर टाइम देना है, हो गया करंट अफेयर, टेंशन खत्म। और आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है, तो भैया और सब्जेक्ट जो है ना, भैया मैथ है ये प्रॉब्लम है, मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैथ को ढंग से 2 महीना पढ़ लिया जाए ना, 2 महीने में मैथ का आधा से ज्यादा चैप्टर आप फाड़ देंगे, आप फाड़ दोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था, एक एग्जाम आता है, आ तैयारी किए उस एग्जाम को देने गए, फिर नया एग्जाम आया, फिर नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो आप तैयारी मैथ का यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपको यहां पर पहुंचना है, आप यहां तक पहुंचे, एग्जाम दिए, कोई एग्जाम आया, वो एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम नहीं निकला, फिर एक नया एग्जाम आया, फिर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो चला गया, फिर एग्जाम, फिर आप, यानी आप यहां तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो 2 महीने में प्रॉपर नोट्स रखो आप सभी मैथ का,
कल से शाम को 6 बजे से क्लास करवा रहा हूं, उम्मीद कर रहे हैं 2 से 2.5 महीना में आपका ना कुछ नहीं ना यार मैथ का 70 से 60% सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जितना प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना काम बन जाएगा, ज्यादा नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं मैथ में भी यार टाइम डेली कितना देना है, कुछ नहीं देना है आपको। शाम को 6 बजे वाला मान लो ना मिलाकर उस क्लास कितना मिनट का होगा, 40 से 45 मिनट का क्लास होगा और अलग से आपने आधा मान लो आप 1.5 घंटा मान लो 1.5 घंटा आप टाइम दे रहे हैं मैथ में, यहां पर 10 मिनट कितना हुआ 24 घंटे में टाइम कितना दे रहे हैं सक्सेस तक पहुंचने के लिए। एक आता है आपका रीजनिंग, यार रीजनिंग की मैं क्या बात करूं, सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान टॉपिक है रीजनिंग। मैं इसके पहले वाले वीडियो में बोला था कि मेरे से महान टीचर है, मैं सबसे कंपैरिजन अपने आप को बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे बहुत काबिल टीचर है, मुझसे बहुत सीनियर टीचर है, वो उन लोगों का मैं पैर भी पकड़ लूं ना उनके बराबर नहीं पहुंच सकता। लेकिन भाई मैं इतना बोल रहा हूं ना, इतना मैं आप सभी के लिए कर सकता हूं कि 24 घंटे में 24 आवर में ना एसएससी रेलवे या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो 24 घंटे में उसका पूरा टॉपिक आपको पढ़ा सकता हूं। और पढ़ाई नहीं सकता हूं, यह भी बोल सकता हूं कोर्ट के पेपर में साइन कर कि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो रीजनिंग का ना पूरा जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दो, आप सभी पूरा जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दो, या फिर अगर आप चाहते ही नहीं भैया अभी से पढ़ना है तो मेरे बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए रीजनिंग के, हर एक टॉपिक पढ़ा, उठाओ नोट्स बनाओ कंप्लीट करो, या फिर रेलवे का एग्जाम होगा एसएससी का एग्जाम होगा एग्जाम से पहले ना टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा भाई, इसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जहां पर बहुत जन फंसते हैं ना वो आपका ये है जीके, इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ो। इंग्लिश आता है प्रॉब्लम एक बहुत सारे एग्जाम में इंग्लिश भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है भाई, इतना टाइम डेली कट रहा है, डेली का डेली टाइम निकल रहा है। आप इंग्लिश भैया इंग्लिश हार्ड है कर चिल्ला रहे, चिल्लाते 6, 7, 8 महीना हो गया, आप उसके लिए कर क्या रहे हैं, टाइम तो निकल रहा है, समय तो निकल रहा है और समय बहुत ज्यादा नहीं है आप सभी के पास, आपको पता है, और आप बस चिल्लाने से रिजल्ट नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और करने के लिए मैं नॉर्मल बोल दिया हूं भाई, डेली कम से कम एक आर्टिकल पढ़ो, पेपर पढ़ो। अगर आप 6 महीने जो वेस्ट कर दिए ना चिल्लाने में मुझे इंग्लिश कमजोर है, अगर 6 महीने में 30 × 6 180 दिन पेपर पढ़ते ना आधा आधा घंटा, आप बोलते भैया इंग्लिश में बहुत कमांड आ गया, कुछ नहीं करना है। आप इंग्लिश के टीचर से ईमानदारी से अगर पूछ लेना, ईमानदारी से, सर अगर इंग्लिश के पेपर को डेली आधा घंटा पढ़ा जाए तो इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकते हैं क्या, जो पहले नहीं कर पा रहे थे वो टीचर पक्का बोलेगा बिल्कुल कर सकते हो अगर वो ना लूटने की कोशिश करे तो आपको। लेकिन समय निकल रहा है, वही चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, समय निकल रहा है, समय का यूटिलाइज करो, क्योंकि समय एक बार, क्योंकि देखो आप सभी को पता है इरफान खान, ऋषि कपूर साहब अभी मर गए, बहुत बड़े एक्टर, क्या हुआ चले गए, वो कहीं बैठ कर देख रहे हैं क्या कि मेरा दुनिया इतना गुणगान कर रहा है, दुनिया में मेरा इतना नाम हो रहा है, कहीं देख रहे हैं, कहीं से नहीं देख रहे हैं। जीवन आता है जाता है, और मैं बहुत सच बात इसके पहले वाले वीडियो में बोल चुका हूं, जो दिन पर दिन चीज खत्म हो रहा है ना, घट रहा है ना, वो शरीर है, तो शरीर एक दिन चला जाएगा। तो 60 साल में उम्र में टारगेट रखो, मुझे क्या क्या चीज करना है अच्छे से करना है ताकि जिंदगी का मजा ले पाए, वरना जब जिंदगी मजा लेना स्टार्ट करेगा ना जिंदगी खत्म हो जाएगा वही कष्ट से, और वो कष्ट कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ जाएंगे अपने परिवार के ऊपर, आपका गलती कहीं ना कहीं आपका परिवार सारा जिंदगी उठाएगा। तो ये सब चीज बहुत डीपली सोचना पड़ेगा, ये भूल जाओ आपको कितने दिन जीना है, आप ये सोचो कि मुझे क्या 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 चीज करना है जो मुझे जीवन मिला, हर एक चीज मजा लेना है जीवन का, ऐसा नहीं कि बस सुबह उठ रहे हैं टाइम कट रहा है 24 घंटा डेली बर्बाद हो रहा है, कुछ ना कुछ करो, कुछ नया करो, कुछ पढ़ो, डेली कंप्लीट करो सिलेबस, टारगेट रखो कि मुझे 6 महीना में कहां तक पहुंचना है, वरना एक बार जिंदगी को समझना भाई, 60 साल का टारगेट लेकर चलो। बहुत जन ऐसे लाइफ में देखे हैं ना, मैंने इतने कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया है, एक्चुअल मेरे दोस्त हैं या बहुत जन देखे हैं कि जिंदगी जीते हैं इसके ऊपर, EMI के ऊपर, यार वो चीज सही नहीं है। बहुत एग्जांपल देखें, आज मान लो अगर कोई आदमी 20,000 कमा रहा है ना, 20,000 कमा रहा है ना, तो वो 20,000 पूरा अयासी में उड़ा देता है। इंसान को 10 से 15 साल ही काम करना है, और 15 साल क्या कर रहा है, पैसा कमाया उड़ा दिया, और बुढ़ापे में क्या कर रहा है, बैठ कर रो रहा है।
और अपने साथ साथ अपने दो बच्चों को बैठा लिया, वो भी रो रहे हैं। इसका ये सही तरीका नहीं है। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो कम से कम 2,000-3,000 कम से कम सेव करिए, हर महीना सेव करिए, ताकि 15-20 साल बाद आपको उस पैसा को अच्छा से मिले, ताकि अगर बुढ़ापे में काम है। LIC कराओ, इन्वेस्टमेंट करो कहीं ना कहीं, ये बहुत जरूरी है लाइफ, इसके बारे में अलग से बताऊंगा। एक्चुअल में ये करना बहुत जरूरी, ताकि आपका बुढ़ापा भी अच्छे से कटे, क्योंकि बुढ़ापा सबसे कष्ट वाला समय होता है इंसान के जीवन का। तो वो चीज अच्छे से कटे, उसका बोझ आपके बाल बच्चा आपके परिवार पर ना आए, तो इसके लिए आपको ना जो भी कमा रहे हैं कम से कम 2,000-3,000 आपको बचाना पड़ेगा आज के डेट में कष्ट कर, ठीक है। तो जीवन को समझो कि जीवन बोल क्या रहा है। अभी इरफान खान मरने से पहले उनके जो फॉलोअर थे, जो उनको फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर, वो 3 लाख समथिंग थे, जब मर गए ना तो 6 लाख हो गए, डबल। इतने दिन तक जिंदा थे तो उनका फॉलोअर 300 के लगभग था, लेकिन जब मर गए ना तो उनका फॉलोअर 6 लाख हो गया। देखने आ रहे हैं क्या? तो जीव लोग देखो, लोग कुछ नहीं बोलेगा, पहले तो दिमाग से निकाल दो कि लोगों के बारे में सोचना। जिस दिन आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर देंगे ना, आप जिंदगी में बहुत कुछ कर जाएंगे। छोटा छोटा बात है जो आपको समझना पड़ेगा अपने लाइफ में। बहुत लोग क्या करता है ना, अपना 100 में से 80% लोग दम पता है कहां तोड़ देते हैं, उनका सपना कहां टूट जाता है लोगों के बारे में सोचकर कि लोग क्या बोलेंगे, फिर लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। और वही लोग जिंदा रहते कुछ पूछता नहीं है, मरने के बाद बोलता है कि अच्छे हैं, यार मरने के बाद तो वो देख भी नहीं पा रहे हैं। तो यहां से क्या सीखने को मिल रहा है, लोगों के बारे में सोचना बंद करो। आपको जो भी करना है फुल पैशन के साथ, मेहनत के साथ। भैया मेरा पैशन नहीं है पढ़ना, अरे पढ़ना किसी का पैशन नहीं होता, लेकिन पढ़ता है, हालात उनको पढ़ाने पर मजबूर कर देता है, समझ रहे हैं। पढ़ना किसी का पैशन नहीं है, वो पढ़ता किस लिए, कुछ अचीव करने के लिए, अपने मां बाप के ड्रीम को पूरा करने के लिए। ये सब चीज आपको सोचना पड़ेगा और अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जिंदगी का डोर कट गया ना, कहानी खत्म, ठीक है। चीज को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अपना ख्याल रखना। और अपने साथ साथ हमेशा बोलते हैं अपने मम्मी और पापा का, क्योंकि उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है आज के डेट में, हर एक खुशी उनको देना है, ठीक है। चलिए।